नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। यह है लाइब्रेरी साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 28। इससे पहले जो 27 तक के आपके जो मॉक टेस्ट आ चुके हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और अगर आप जो प्रीवियस पेपर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, चाहे आपका 2016 का पेपर हो चाहे आपका 2019 का। और जैसे कि सभी को पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। और आज जो मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं वो आपके VMOU की बुक से लिए हैं, उनमें से जो आपके क्वेश्चन आ चुके हैं आपके जो एग्ज़ाम होती है उनमें भी, जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम होती है उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। और एग्जैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे आपके जो VMOU की फ्री बुक्स अवेलेबल है उनका ज़रूर रीड करिए, आपके पास इनफ टाइम है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है एग्री इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है, तो एग्री इंडेक्स जो है आपका उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी संस्था है। तो इन सभी क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मैंने जस्ट इसके नीचे जो है फिर से ऑप्शन दिया जाएगा तो उसका राइट आंसर होगा। अब तक के आपके PDF में आपको इस तरीके से पैटर्न मिलेगा। तो उसका राइट आंसर जो है आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है, एक तरह की जनरल मैगजीन है, उसको भी ध्यान रखें और इसका ईयर भी ध्यान रखें 1975। तो ये प्रकाशित की जाती है FAO फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैंने सीधे इंग्लिश में लिए हैं क्योंकि आपको ज़्यादा इंग्लिश में टर्म याद करना ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में काफ़ी के मीन अलग हो जाते हैं। पहला है, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में एक शोधकर्ता थे और IBM के लिए पुस्तकालय और सूचना विज्ञान। तो उसमें आपको बताना है कि वो जो रिसर्चर, तो रिसर्चर का इनमें से आपको नाम बताना है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर IBM, जो कि आपके IBM से जुड़े हुए हैं उनका आपको नाम बताना है। IBM किससे संबंधित, आपके कंप्यूटर विज्ञान से। तो इनमें से आपका कौन सा जो राइट आंसर होगा, तो आपके जुड़े हुए हैं हैंस पीटर लून। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, जो कि IBM से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेफरल सर्विस क्या है, तो रेफरल सर्विस के बारे में आपको बताना है इनमें से कौन सी है। तो रेफरल सर्विस जो है वो अब होती है आपकी सर्विस फॉर रीडर्स। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल तो जो ऐप भी चलते हैं कि रेफ़र कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कीजिए, तो क्या है, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको औरों को भी बताइए। तो उसी तरीके से जो बुक्स आपको अच्छी लगती है वो आप अदर रीडर्स को बताएं, उस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, एक रेफरल सर्विस होगी आपकी सर्विस फॉर रीडर्स। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो पहले आपको इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं इस पर, फिर आपको बताना है। तो जो आपका साइंस इंसेप्शन 3 प्रेस्टिजियस सीरियल पब्लिकेशन आर पब्लिश रेगुलरली, ईच पब्लिकेशन है सेपरेट एडिटोरियल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ एकेडमिशियन और प्रोफेशनल लाइब्रेरियन स्कॉलर फॉर ऑल ओवर इंडिया, द सीरियल पब्लिकेशन इंक्लूड। तो इसमें आपको बताना है कि जो 3 आपके एक प्रेस्टिजियस जो कह सकते हैं मैगजीन कह सकते हैं उनको, जैसे न्यूज़लेटर है, तो उनका प्रकाशन किस तरीके से होता है, महीनेवार में होता है या फिर 3 महीने से होता है या फिर वार्षिक यानी एनुअली होता है, इनमें से आपको बताना है। जो 3 कौन कौन से हैं, पहला है आपका न्यूज़लेटर, तो न्यूज़लेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है प्रकाशन होने की, तो उनमें से बताइए डेली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली या फिर एनुअली। तो वो है आपका, ये होता है मंथली प्रकाशित होता है, किस तरीके से होता है, मंथली प्रकाशित होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजलिक बुलेटिन फ्रीक्वेंसी, जो आपका दूसरा जो प्रेस्टिजियस एक मैगजीन कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये आपका प्रकाशित होता है 3 महीने से, ये क्वार्टरली जो है प्रकाशित होता है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है क्वार्टरली। जो एक
नेक्स्ट जो आपकी है वो है आपकी इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एब्स्ट्रैक्ट, तो ILS की फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी, तो ये जो प्रकाशित होती है वो आपकी एनुअली प्रकाशित होती है, ये वार्षिक रूप से जो है प्रकाशित होती है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो ISLIC की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडिटर्स आपके यहाँ पर दिया गया है कि न्यूज़ लेटर की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो मंथली है, ISLIC बुलेटिन की आपकी क्वार्टरली है, और इसका जो आपका हो जाएगा वो है आपका एनुअल। तो यहाँ पर इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप जान सकते हैं और कौन कौन से हैं आपके ये। जो कि आपकी तीन जो प्रेस्टीजियस सीरियल पब्लिकेशंस हैं, तो इन तीनों ही पब्लिकेशंस का आपको ध्यान रखना है। आई थिंक मैंने इनको मैगजीन बोल दिया होगा, लेकिन ये जो आपकी पब्लिकेशन है तीनों इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिए कैसे क्या प्रकाशित होती है, इनसे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन के जो आपके ऑथर है वो कौन है, बी गुहा, इनको आप ध्यान रखें। तो इसके जो ऑथर है आपके डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन के वो है आपके बी गुहा, फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDC का ऑनलाइन संस्करण का जो ऑनलाइन जो वर्जन यहाँ पर प्रकाशित हुआ था आपका, उसका शीर्षक क्या था, टाइटल क्या था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसका नाम था आपका वेब डीवी जो था उसका आपके DDC के ऑनलाइन संस्करण का टाइटल था वेब डीवी, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है वेब डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक डीवी का दूसरा संस्करण जिसका नाम था आपका इलेक्ट्रॉनिक DV फॉर विंडो, शीर्षक से किस वर्ष जो है ये प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था आपका 1996 में, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है 1996 में, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक DV फॉर विंडो शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक DV का दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूपा इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाई, तो अपूपा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये किया गया था आपके डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। यहाँ पर नीचे आप आंसर देख सकते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा अपूपा जो पद्धति है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूपा स्टैंड्स फॉर, अपूपा की आपको फुल फॉर्म भी जरूर पता होनी चाहिए, चाहे आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को देकर भी पूछ सकते हैं कि इसका मीन क्या होगा, या फिर आप पूरा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका जो होगा वो होगा एलियन, पेनोरेबल, एमरेबल, पेनोमरेबल, एलियन। तो इसका जो ए जो दिया गया है फर्स्ट और लास्ट, तो दोनों का मीन एक ही है, एलियन, एलियन से लेकर, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपूपा की आपकी फुल फॉर्म है, तो उसका आप जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज, तो इसमें मैंने डेट मेंशन करना 1957 में, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज 1957। तो वो है आपके KP सिन्हा हु आज अ चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरीज 1957, जो ईयर की बात की गई है इसमें डॉक्टर KP सिन्हा, बी ऑप्शन का राइट आंसर है डॉक्टर KP सिन्हा। नेक्स्ट है मेंशन स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड, कैटलॉग कार्ड की आपको स्टैंडर्ड साइज बतानी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई है वो आपके सेंटीमीटर में है, तो वो हो जाएगी 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर, तो ये है आपकी कैटलॉग कार्ड की जो एक स्टैंडर्ड साइज है। इंच में अगर बात करें तो वो हो जाएगी आपकी 5 × 3, तो आपकी कैटलॉग कार्ड की जो स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड साइज से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। द टर्म प्रीनेटल कैटलॉगिंग वॉज फर्स्ट यूज बाई, तो यहाँ पर आपको उस पर्सन का नाम फिल करना है, उसके बाद आपको प्रीनेटल का नाम जो प्रिंट का मतलब क्या होता है प्रीनेटल का, वो होता है मीन्स बिफोर बर्थ, मतलब जन्म पूर्व।
तो प्रीनेटल जो एक टर्म है वो यूज़ की गई थी आपके डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा। तो ये आपका डॉक्टर आरएस रंगनाथन जो है आपका वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। जो द टर्म प्रीनेटल जो आपकी कैटलॉगिंग के लिए है वो यूज़ की गई थी आपकी डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP, इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रोग्राम वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड बाई डैश इन 1971 विद 27 पार्टिसिपेटिंग पब्लिशर्स। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपको कहें था कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP प्रोग्राम जो है फर्स्ट इनिशिएट किया गया था, वो किया गया था आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो कहा कि है कौन से देश से संबंधित है, ये आपकी है USA से, तो उसको भी आप ध्यान रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो द कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड बाई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1971 विथ 27 पार्टिसिपेटिंग पब्लिशर्स। तो ये थे आपके इस लाइब्रेरियन मॉक टेस्ट के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उससे जो रिसेंटली वीडियोस आ चुके हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे। बाकी अगर आप जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राजस्थान GK भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा जो कि अभी सीरीज चल रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और इसका जो लिंक है, मैंने अगर आप ये देखना चाहते हैं क्वेश्चन, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट सीरीज के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, नेक्स्ट पार्ट के लिए।